हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो सबसे बीमार और बेहाल सुविधाएं चंबा जिला की हैं। कभी मरीज को पीठ पर लादकर लंबा सफर तो कहीं एम्बुलेंस सड़क का अभाव। तीसा के इस वीडियो में उस अस्पताल की हालत देखिए जो टीन की शेड में चल रहा है। 20 से अधिक पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाला तीसा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के अभाव को मरीजों को बाहर धूप में बिठाने को मजबूर है। यह हालत कई सालों से है। सरकारें आई और गई लेकिन टीन शेड में चल रहे अस्पताल को भवन नसीब नहीं हुआ। यहां काफी संख्या में मरीज आते हैं। बीएमओ तीसा के प्रभारी डॉक्टर ऋषिपुरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को भवन नहीं होने के कारण आ रही परेशानियों से अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने भवन की मांग करते हुए कहा कि इससे मरीजों को कम से कम इलाज में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखिए अभी वो टीन में एक्चुअली जगह नहीं मिली। पहले भी पैसा दिया था सरकार ने, फंड्स भी आए थे, बजट भी हुआ था, उस बजट मिला था, बट लैंड का उसमें प्रॉब्लम रही, लैंड नहीं मिल पाई थी। इस बार ये अभी लैंड इन्होंने करी है। देखिए उसमें फॉरेस्ट में अभी उसके एनओसी के लिए वो गया हुआ है, जैसे ही वो क्लियरेंस आती है उसके बाद फंड्स भी आ जाएंगे।